नमस्कार, मैं रोहित सिंह सोरे और आप देख रहे हैं न्यूज टॉप बिहार। खबर सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र से, जहां पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए गांवों को कराया जा रहा है सैनिटाइज। आपको बता दें कि स्थानीय मुखिया सरफी राम ने बताया कि कोरोना जैसी बीमारी के संक्रमण को रोकने हेतु पंचायत को सैनिटाइजर करना बेहद जरूरी है। इसके पूर्व लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रहने व बिना जरूरत यहाँ वहाँ जाने को मना किया गया था। इतना ही नहीं, पंचायत के ग्रामीणों में साबुन का वितरण कर लोगों को स्वच्छ रहने एवं लॉकडाउन का पालन करने का आह्वान किया गया था। इस मौके पर स्थानीय निवासी जफर हुसैन भी सहयोगी के तौर पर उपस्थित रहे। जफर हुसैन ने बताया कि सैनिटाइज करने का काम अगले 4-5 दिनों तक चलेगा, ताकि पंचायत के सभी गली मोहल्लों को अच्छे तरह से सैनिटाइज किया जा सके और संक्रमण मुक्त किया जा सके। मारिए मनु भाई, ले लीजिए। हमारे गांव में बीमारी के चलते छिड़काव कराया जा रहा है, ताकि बीमारी हमारे गांव में नहीं रहे, आसपास में नहीं रहे। कोरोना के चलते ये सब छिड़काव हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई बीमारी नहीं रहे। सब नली गली गांव में, पूरे गांव में हम छिड़काव करा रहे हैं कि जो है बीमारी नहीं रहे। मठ साबुन चावल और सब बंटवाए हैं, सब पूरे गांव में बंटवाए हैं कि हमारे जनता जो है सुखी संपन्न रहे, तरह का हरकत नहीं हो, सब लोग अच्छे तरह से रहें। जनता को ये संदेश हम लोग यही देना चाहते हैं कि आप धैर्य बनाए रखें। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि हमारे आशापी राम जो मुखिया है, जो अपने गांव के लिए कुछ नहीं किए हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। आज सैनिटाइजिंग का काम आज से स्टार्ट है और हर मोहल्ले वाइज ये होगा। 7 दिन या 10 दिन के अंदर ये प्रक्रिया कम्प्लीट हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा से कैसा गाँव है, ये छोटा मोटा गाँव है। ये 2 पंचायत है, पूर्वी हरियाणा और पश्चिमी हरियाणा, और सिवान सारण डिस्ट्रिक्ट के पास सबसे बड़ा गाँव है। तो आप भी बेहतर जानते हैं कि एक दिन में ये काम पॉसिबल नहीं है। इसमें वक्त लगेगा, 2-4 दिन लगे, 7 दिन लगे, 10 दिन। ये जरूर है कि हमारे मुखिया की तरफ से ये सैनिटाइजिंग का जो काम है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये टोटल प्रक्रिया है जो कंप्लीट हो जाएगा, और हर मोहल्ले वाइज, हर गली, हर नाला, जहां भी मतलब समझ में आएगा, वो टोटल मतलब 7 दिन में ये कंप्लीट।